हमारे बिहार का एक राजा ब्लॉग है, इधर ही घर है समस्त। यहाँ पर खाली खासी देखिए बाजार है जी, चारों तरफ मीठे मिलता है। विकास जी क्या लीजिएगा, ये मटन ले लीजिए, टंगरी ले लीजिए, मुंडी ले लीजिए। देखिए ये है मिठुआ मटन, अच्छा से मिला दिया हूँ। एक कलेजी है और 20 मिनट बाद इसको खोल के देखेंगे इसका क्या हालत है, पोजीशन है। क्या देख रहे हैं, दम थोड़ी करते हैं। देखिए ग्रेवी बड़ा मस्त बना है जी। आहा क्या महक रहा है, महका रहा है भाई। मटन देखिए पर हड्डी छोड़ दिया है, देखते पीस रसगुल्ला हो गया है। नमस्कार भाई लोग, कैसे आप सभी, आप सभी भाइयों को हमारे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आपका भाई अभी घर के पीछे में हूँ, आए टहलने जी। बड़ा मस्त मौसम में हवा चल रहा है, अभी बारिश आने वाला है। अभी मुझे अभी कहीं और जाना है जी, अभी आपका भाई के जाना है 100 किलोमीटर जी। मैं आपका भाई गाड़ी चलाऊँगा बाइक। तो अभी देखिए टाइम बच चुका है 11। हम आए थे तो ये देखिए धान के बीरा रोपाया था, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, देखिए 5-6 इंच 7 इंच का हो गया, देखिए एक बित्ता का हो गया है। तो अभी 10 दिन बाद ना इसको उखड़ कर और खेत में कदबा पानी पटा, देखिए बारिश होता है कि नहीं, बारिश नहीं होगा ना तो पानी पटा के किसान लोग फिर धान को रोपेंगे। बहुत मेहनत है जी, खेती बाड़ी में बहुत मेहनत है, बहुत कष्ट होता है जी। एक अन्न को उगाने में बहुत कष्ट होता है। देखिए आम का पेड़ लगा कि नहीं, देखिए आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे तो नॉलेज नहीं है लगा कि नहीं, हरा हरा पत्ता तो है। अब चलते हैं जी, खाना पीना खा लिया है, चावल था सब्जी था, और देखिए आम खा रहे हैं निकलते समय, मीठा मीठा माए आम ले ले बहु। ये बारिश भी आ रहा है जी, चले खा के निकलते हैं जी। देखिए ये है सफ़ेद मालदा ना, खोल देखिए, मांग दाते नहीं मेरा, कर ले अच्छा हो। चलिए जी चलते हैं जी, अभी टाइम बच चुका है 12:30, बस आधा घंटा में दीदीगंज पहुंच जाएंगे। इनका नैहर उधर है, बोले चलिए, जाने का मन नहीं कर रहा है, चला अभी नहाए है, अभी विष्णु पर्व करेंगे, 1 किलो मेकअप लगाएंगे। मेकअप नहीं करते हैं, कुछ ले ले बाबू सब हो ना, कल जाएंगे माँ के बहन के बेटा के ब्याह है कि तो मेरा माँ सबसे बड़ी हुए कि ना मेकअप नहीं किए था। कौन पूछता है, 5000 के मेकअप लेके आते थे, कौन मुंह लगाता है मुंह में, नहीं जाते हैं तब करते हैं। क्यों करती हो, चले जी चलते हैं। अरे ठीक बात हेलो, आपका भाई आ चुका है महुआ अपना अड्डा पे, पान सेंटर पे। का जी पान खा लेते हैं, मूड फ्रेश होगा, मन भकवा ले जी। का जी भैया पान खाने से पूरा मन हरियर हो जाता है, अभी लगन बहुत टाइट है जी, अभी आने में ना 20-25 को शादी देखाऊँ, बहुत टाइट है लगन की आज। ओ मुर्गा कैसे भाई, देसी मुर्गा 320 वो तो चाइना वाला है, देसी ना है, चाइना वाला है, तुलसी। हमारे के मिश्रा जी है, गाड़ी मालिक है, बड़ा खाते हैं पान और 24 घंटा मुँह पान रहते हैं मिश्रा जी। तो बागी था और कुछ लेगा, क्या लेगा,
परसू। हेलो जेबी है ना, जेबी डाल लो उसमें। पाँच सौ तीन हेलो हेलो, आपका भाई आ गया है जी। गन अभी देखिए टाइम बच चुका है, आ जा ना। मैं आ गए जी, पान खड़का आ गए लग में है, ननकी बहन का घर है मुजफ्फरपुर। बहुत टाइम होता है, 2 घंटा। दीदी अभी दीदी नहीं आएगा, हम और सन्नी जा रहे हैं। हमसे 2 साल के बड़े दीदी, भाई हम ही बड़े लगते हैं ना। नहीं लगते हैं। चले चलते हैं जी। हेलो, आपका भाई आ गया है जहाँ मुझे आना था। बस यहाँ से मुझे अंदर में जाना है गांव में, तो आपका भाई लोकेशन में आया हूँ। यहाँ से ना समस्तीपुर बगल में है ना, भगना ताजपुर के बाद समस्तीपुर है, तो यहाँ से बगल में ताजपुर है बस समस्तीपुर। एक हमारा समस्तीपुर का ब्लॉगर है राजा ब्लॉग, वो भकुआ है। कहाँ बोले जी, उसके बारे में तो बहुत कुछ बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, छोड़िए हटाइए। हाँ, माँ बाप को छोड़ के हीरो बनता है तो वो महान इंसान है, उसका बात ही करना बेकार है जी। ड्यू डर के आगे जीत है। भगना को पीने का मन है, ले लिए 2 घोट मार लेंगे हम का जी। अरे ससुरा हाँ हाँ हाँ, तो काम शायद है, काम हो गया। और देखिए भी टाइम बच चुका है 2:15, और यहाँ से मुझे जाने में लगा कितना, 20-25 मिनट ना। सन्नी के घर जाने में लगेगा 20 मिनट। और देखिए बगल में कितना सुंदर खेती रखा है, करेला का, कद्दू का और टमाटर का। देखिए बहुत सुंदर है, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं आपको, बहुत सुंदर फरा हुआ जी तुरे का। देखिए कितना मस्त फरा हुआ है हरा सब्जी। 10 से 30 ये बहुत बड़ा है, ये खाते हैं। और क्या खाएगा, हाँ समोसा खाएगा। आज देखिए मिठाई कितना बड़ा है, खा खा हेलो हेलो, आपका भाई आ चुका है महुआ। ये आगे विकास भी आ गया है, किस लिए, खांसी मई लेने के लिए आया है। यहाँ पर खाली खांसी का देखिए बाजार है जी, चारों तरफ मीठे मिलता है। ए घुमा दे घुमा दे, खांसी वो ठीक कर ले, ये सिले मर दबा हमारे में डाउट बा। गर्दन चाप पूरा मरने आए कुत्ता आए आए। मटन लाया हूँ 1 kg, चिलीज को बनाइएगा आप, बनाइए ना आप, बनाइए आज तो बना के खा दीजिए। पानी खोले क्यों नहीं, 1 घंटा हो गया है। खोल के कहाँ रखते, बिलाई खा जाता, बिलाई बिलाई के काट के खा जाएंगे हम, छत पे चल गए। देखिए ये मटन है चिले जी, बठुआ बनाएगी भूज के। चलिए आप सबको बठुआ खाने का मन, इसमें होगा छोटा है। देखिए ये दालचीनी गया, लौंग इलायची सब इसमें मिक्स है। ये देखिए मसाला सब डाल दिए, कुछ नहीं है। हल्दी हल्दी इसमें क्या है, जीरा मरीच और लहसुन, नीचे उसको धो के डालो, तो धो के लाओ उसमें। मेरा पानी है, तेल है ना, पानी पानी है।
दिखते हैं झलक मार रहे, बनाइए अब हम जा रहे हैं शादी देखने। देखिए मिल गया अच्छा से, देखिए इधर दिखाइए निशा, देखिए ये है मठुआ मटन अच्छा से मिला दिया हूँ। एक कलेजी है, अनिशा कलेजी खाएगा कभी ना 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 कभी, बेटी बोलता नहीं खाएंगे। देखिए बढ़िया ना जी, अनिशा बैठ लाई, देखिए बढ़िया है। ये गया पानी, अब 20 मिनट बाद इसको खोल के देखेंगे इसका क्या हालत है, पोजीशन है। हेलो हेलो, अभी मत देखिए मटन चढ़ाया हुआ, 40 मिनट हो गया लगता है, देखिए खोल के देखते हैं। पूरा प्याज एकदम गल गया होगा मेरे अंदाज से, देखिए इसको ढक्कन को निकालते हैं। जब आपका भाभी जी रोटी बना रहे हैं, देखिए पानी जल गया जी, अब देखिए हाथ जल रहा है, अब देखिए मटन, देखिए प्याज पूरा, देखिए गल के एकदम मार हो गया है, प्याज है ये नहीं है, दिखते है प्याज है कहीं, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, मटन भी सीज गया है, इसको अभी ना ग्रेवी को इसको पूरा भूनेंगे, पूरा पानी इसमें सुखा देंगे। इधर आपका भाभी जी रोटी बेल रहे हैं, सर्दी हो गया है, इधर दिखाइए तो मुँह, हाँ हाँ हाँ, मटन तो हो गया जी, देखिए हड्डी छोड़ दिया मटन। चलो इसको अच्छा से भूनते हैं एकदम, ये गाना में मटन बन के रेडी हो गया, देखिए ग्रेवी बड़ा मस्त बना है जी, आहा क्या महक रहा है, महका रहा है। अब लास्ट बना, आपसे नहीं बनाएंगे, आपका भाई ना जी हेल्प करा देते हैं, लेडीज़ को हेल्प कराना चाहिए। मर्द के ना जी लाइफ में कभी सुकून नहीं है, बाहर भी कमाइए घर पे भी थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। देखिए ग्रेवी कितना मस्त बना है जी, देखते हैं भाई मटन, देखिए पूरा हड्डी छोड़ दिया है। हेलो हेलो, अभी टाइम देखिए बज चुका है 10, चले खाते हैं जी। आपका भाभी का नींद आ रहा है, भूख तो नहीं है, कोई भोज खा लिए थे, खा लेते हैं, खाओ हम भी सोचते हैं, नींद आ रहा है। आज बाइक बहुत चलाए, नहीं भी तो 110 किलोमीटर आज गाड़ी चलाए, बहुत गाड़ी चलाए जी, अब बाइक चलाने में देर थक जाता है। क्या बात है, वाह मस्त बना जी, देखते पीस रसगुल्ला हो गया। माँ कसम बन लो मटन बना लेना, माँ बोला अच्छा बना है, इससे भी अच्छा बनता, नींबू से धो दिए और टेस्टी बनते रहा। हम ही बोले थे डालने के लिए, नींबू डाल के धो दीजिए, उसका सब पता ना उसका महक सब हट जाता है नींबू नमक डालने से, तो हम ही बोले थे तो धोए थे, थोड़ा सा हल्का खट्टा बना गया, तो ये बहुत मस्त बनाया। चलो अब खाओ सोते हैं, अब करते ब्लॉग के एंड, मिलता बोलो नेक्स्ट ब्लॉग में, और भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए और भाई को बस प्यार बना रखिए। हेलो हेलो, गुड नाइट। और भाई लोग कमेंट कर रहे थे भैया घर यहाँ गाड़ी में कब आइएगा, तो भाई कुछ दिन में आ रहा हूँ, बस कुछ दिन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँगा टिकट बनवा कर। चलिए।